कि क्या कुछ बड़ी खबर है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला, आपको बताएं कि इसी मामले को देखते हुए सियासत अब गर्माती जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है, तो बड़ी जानकारी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है और साथ ही सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला, हालांकि आपको बताएं कि कल जो ये मामला सामने आया था उसी के चलते अब फिलहाल सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, तो बड़ी जानकारी आपको बताएं कि राष्ट्रपति ने सुरक्षा चूक पर चिंता जताई है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला, आपको बताएं कि कल इस मामले को देखते हुए सियासत गर्मा रही थी और आज फिलहाल ये अपडेट सामने आई है कि राष्ट्रपति ने सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त करी है। तो पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है और इसी खबर पर अपडेट भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तो राष्ट्रपति ने सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है। आपको बताएं, हालांकि जिस तरीके से हमने देखा कि रैली रद्द हुई है और उसके बाद यहां सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, और ये भी खबर सामने आई है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बीच मुलाकात हुई है और वहीं राष्ट्रपति ने सुरक्षा चूक के मामले को देखते हुए चिंता व्यक्त की है। बड़ी जानकारी, आपको बताएं कि कल जिस तरीके से मामला ये सामने आया था उसी को लेकर लगातार सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीएम मनोहर लाल का बयान भी इसी मामले को देखते हुए सामने आया था। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ गए मेरे साथ। मुकेश, फिलहाल अपडेट चाहूंगी, जिस तरीके से राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है, ये मुलाकात कितनी खास रही और यहाँ क्या क्या विषय रहा और आगे क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और राष्ट्रपति ने जब मुलाकात की तो राष्ट्रपति ने चिंता भी जताई है कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मिले हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा में चूक हुई थी उसको लेकर ये मुलाकात हुई और इसको लेकर राष्ट्रपति है उन्होंने ट्वीट भी किया है, एक फोटो जिसमें वो दोनों मुलाकात करते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात करें तो दोनों शख्सियत एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला अब जो है काफी गर्माहट में एक याचिका भी दायर की गई है और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसको लेकर हो सकता है कल सुनवाई भी की जाए। लेकिन आज की बात करें, अभी उनकी मुलाकात खत्म हुई है और प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से, और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बातचीत की गई है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई है तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा सवाल है देश को लेकर और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को लेकर। जब सुरक्षा एजेंसियों को पता था कि प्रधानमंत्री का रूट है, इस रूट से वो जाएंगे, उसके बावजूद भी तमाम तरह के, आपने देखा कि वहां पे जो प्रदर्शनकारी है वो पहुंच गए थे और ऐसे में एसएसपी को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बात वही आती है जहां एक और बीजेपी कांग्रेस पे निशाना साध रही है, चन्नी सरकार को सवालों के घेरे में ले रही है कि आखिर चन्नी सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था वहां पे क्यों नहीं की थी, व्यवस्था पुख्ता क्यों नहीं थी। यदि उनका रूट चेंज किया गया, हालांकि प्रधानमंत्री का जो रूट लगता है तो गोपनीय रखा जाता है, और यदि रूट चेंज किया गया तो जो किसान है उनको कैसे पता लगा, जो आंदोलनकारी थे उसको कैसे पता लगा कि प्रधानमंत्री का रूट यही है। तमाम विषय है जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इसी वजह से राष्ट्रपति ने भी चिंता जाहिर की है कि इस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा एजेंसियों पे, जो पंजाब सरकार द्वारा जो वहां पे सुरक्षा मुस्तैद पुलिसकर्मी उनकी, जो पंजाब के सीएम है चन्नी, उनको लेकर तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी आज राष्ट्रपति के साथ शेयर की है, बातचीत की है कि किस तरह से उनका जो रूट लगा था, कैसे वो गए थे और किस तरह से आंदोलनकारियों ने उनका रास्ता रोका था, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को चूक को लेकर आज ये काफी अहम मुलाकात रही जी। मुकेश, इस तरीके से आपने भी देखा होगा कि हमने इससे पहले
दो बार ऐसा भी दौर देखा है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्रियों की हम सुरक्षा नहीं कर पाए थे। हालांकि अब फिर से वही चीज दोहराना, यहां भी पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई नहीं कर पाया। सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार कौन है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि यहां पर उन्हें निलंबन करना चाहिए, चरणजीत सिंह चन्नी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सूबे के मुखिया है, पंजाब के मुखिया है, वो मुख्यमंत्री है, और ऐसे में यदि प्रधानमंत्री कहीं जाते आते हैं तो उनके साथ मुख्यमंत्री का होना प्रोटोकॉल है, लेकिन मुख्यमंत्री था इसीलिए मैं उनके साथ नहीं जा पाया। लेकिन यदि वो नहीं गए तो सुरक्षा व्यवस्था उनकी दुरुस्त क्यों नहीं थी? तमाम चीजें हैं, जांच एजेंसियां जो है, जो सुरक्षा एजेंसी है, उनको क्यों नहीं इस चीज को भनक लगी? काफिला यदि चलता है प्रधानमंत्री का, तो उससे पहले प्रधानमंत्री के काफिले के आगे जो लोकल पुलिस यानी पंजाब पुलिस के जो जवान होते हैं वो तैनात रहते हैं, और उनको पूरी अपडेट रहती है कि आगे 500 मीटर दूर अब क्या है, कि वहाँ पे माहौल कैसा है, आगे 1 किलोमीटर दूर कैसा माहौल है, तो वो तमाम चीजें होती है प्रोटोकॉल के तहत, जो बातचीत करते रहते हैं, जो तमाम जो सुरक्षा पुलिस कर्मी है उनसे अपडेट लेते रहते हैं कि प्रधानमंत्री का जहाँ से है वो स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट के सुरक्षा कर्मी है उनकी होती है, तो उनका उन्होंने यदि इन चीजों का उनको भनक थी तो आखिर उन्होंने बताया क्यों नहीं? और यदि 1 किलोमीटर या 500 मीटर आगे की वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए दोस्त, तो कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान उठता है पंजाब सरकार को लेकर, पंजाब की जो सुरक्षा एजेंसी है उसको लेकर, पंजाब पुलिस को लेकर। और यही वजह है कि पंजाब सरकार ने तत्काल से एसएसपी को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन लगातार जो गृह मंत्रालय है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि रिपोर्ट मुझे चाहिए, जांच रिपोर्ट चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है एक तुल पकड़ता हुआ जा रहा है। मामला कोई आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं, मामला है देश के प्रधानमंत्री से उनकी सुरक्षा को लेकर, और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठता है कि इस तरह से जो पंजाब सरकार ने जो सुरक्षा था प्रधानमंत्री को लेकर उनका दौरा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी तमाम सुरक्षा व्यवस्था उन पर नजर बनानी चाहिए। बहुत सारे सवाल उठते हैं ऐसे में, सवाल यहाँ पंजाब सरकार पर भी उठते हैं, साथ ही सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठते हैं, साथ ही पंजाब की पुलिस पर भी उठते हैं, क्योंकि यहाँ बात हम प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर तो पंजाब की जनता तो सुरक्षित है ही नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।